स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्राइवेट वाहन मालिकों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम बी के श्रीवास्तव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वितीय एस पी श्रीवास्तव सहित प्राइवेट बस के मालिक मौजूद रहे। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए वाहनों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप लोगों के वाहनों की जरूरत प्रशासन को पड़ेगी, जिसको देखते हुए सभी प्राइवेट वाहन मालिक अपने वाहनों को समय से उपलब्ध करा दे, जिससे चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। संपन्न होगी। क्या रोडवेज के आदमी साहब बैठे हुए हैं या जो सामान बैठे हुए हैं और हमारे केसो साहब हैं, उनका स्टाफ है और जी है। आप, मैं ये चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ ये मीटिंग की गई है उसके संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश दिए जाने हैं, जिसके तहत सिटी मजिस्ट्रेट साहब से आग्रह करूंगा। हमारी क्या अपेक्षाएं हैं? आपको पता होगा चुनाव गोरखपुर में 15 अप्रैल को है, सबको पता होगा। इस बार चुनाव में ये डिफरेंस है कि फेज वाइज चुनाव नहीं हो रहे हैं, ब्लॉक वाइज नहीं हो रहे हैं जैसे पहले चरणों में होता था। इस बार एक ही दिन पूरे गोरखपुर के समस्त ब्लॉकों चुनाव हुए, तो जाहिर सी बात है आपको बुलाना है मतलब कि हमें परिवहन व्यवस्था जो होती है, जैसे किस तरह हम पार्टियों को भेजेंगे उसमें समस्या आ रही है, इसलिए आपको याद किया गया है। इससे पहले भी चुनाव में मैंने पुराने आंकड़े देखे, फाइल निकाल के, तो आप लोग उसमें सहयोग किए हैं और आपकी तरह प्राइवेट बसें उसमें दी गई हैं। पर क्योंकि इस बार पूरा चुनाव एक ही चरण में हो रहा है, इसलिए जो व्यवस्था पिछली बार हुई उसका कम से कम 4 गुना ज़्यादा व्यवस्था हमें करनी होगी, तब हम जाके चुनाव सफलतापूर्वक करा पाएंगे। हमें लगभग ये समझ लीजिए 1800 से 1900 गाड़ियों की आवश्यकता है चुनाव कराने के लिए, 1800 से 1900 गाड़ियों की आवश्यकता है। उसमें से अभी भी हम 400-500-600 गाड़ियां डेफिसिट में चल रहे हैं, कमी में चल रहे हैं, तो फिर हम इस तरह से बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जो आपको जितने भी प्राइवेट बस एसोसिएशन, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग यहाँ आ गए हैं, मुझे 40-45 लोग बताए गए थे, पर यहाँ 15-17 लोग दिख रहे हैं। अरुण, इसमें जो लोग नहीं आए हैं अलग से लिस्ट पर दिखा देते हैं, तो आपसे इसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपकी जो समस्याएं इनके होंगी। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आपको 11 तारीख की शाम को जितनी प्राइवेट बसेज आपके पास हैं वो हमें यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है उसके ग्राउंड में हमें चाहिए 11 की शाम को, वहाँ पर उसकी पर्ची कट जाएगी। उसके बाद 12 तारीख की रात तक आप हमको वो गाड़ियाँ अवेलेबल करा दें, 15 तारीख की रात में ये काम जब हमारा चुनाव खत्म हो जाएगा वो गाड़ियाँ आपको वापस हम सुपुर्द कर देंगे। गाड़ी का जो भी पेमेंट होता है, जो भी नियमानुसार होता है, इस बार हम लोग इतना उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि तत्काल हम लोग उसका पता चल करके उसका पेमेंट का जो इशू फंसता है हर बार जो आमतौर पर फंसता है वो इस बार ऐसा कोई इशू नहीं फंसेगा, ये हम लोग आपको कमिटमेंट करते हैं। और ये गाड़ियाँ हमें चाहिए ही चाहिए और किसी पर कोई विकल्प नहीं, मतलब मैं बता देना चाहूँ, साफ बता देना चाहता हूँ कि चुनाव का मामला है और बड़ी जल्दी आचार संहिता लगी है और बिना एकाएक लग गई तो हमें तैयारियाँ उसके करने के थोड़ा कम समय मिला है, इसलिए हमें चाहिए ही चाहिए, तो कोई विकल्प नहीं है कि मतलब कोई इसमें मदद ना करे। तो इसके बाद आप लोग जो बताना चाहते हैं समस्याएं करके बता दीजिए, मैं आपको एड्रेस कर लूँगा, फिर बताइए। सर, हम लोग जो है यूनिवर्सिटी पर जो है जो गाड़ी खड़ा करते हैं, ठीक है, आए दिन हमको जो है रोडवेज या परिवहन विभाग से हमेशा उत्पीड़न होता है, तो हमको सर पार्किंग शुल्क भी दे अच्छा से सर, और सर मुझे मालूम है आप कर देंगे। ठीक, अजय जी ये आपने बताई जनरल बात है, मैं चुनाव बारे में पूछ रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, मैं सुन लिया और करा दूंगा, बेची बताया तो डिस्क्लोज कर सकता हूँ, पर हाँ खाली होंगी तो ये आप करा दूंगा। चुनाव के संबंध में आपको क्या समस्या मुझे बताइए, अगर कोई हो तो, ना हो तो बहुत अच्छी है, कोई सर के माध्यम से भी आपको दिया जाएगा, तो तामिला दो स्तर से होगा। चलिए, लेकिन ये आपका यह भी दायित्व है कि तामिला संख्या बताए, इसमें निर्वाचन आयोग मौन है सर।